देखिए सिंथेसिस, ध्यान दो, सिंथेसिस पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम थोड़ा वर्ब के बारे में चर्चा कर लें। वर्ब तो जानते हो, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको वर्ब कहते हैं, सबको मालूम होगा। वर्ब को परिभाषित लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन मैं जान लो इसमें एक्शन है। वर्ब किससे बनता है? रूट से बनता है। रूट जानते नहीं? रूट नहीं मालूम है भाई? जो धातु होता है, जैसे आप लोगों ने थोड़ा देखिए, जैसे संस्कृत में पढ़ते हो धातु, पट धातु, कम धातु, लिख धातु, हम धातु पढ़ते हो नहीं है, तो उसी को रूट बोलते हैं। वही रूट आपका है, उसी को रूट बोलते हैं। और धातु जो होती है क्रिया की मूल अवस्था होती है। धातु जो होती है क्या होती है? क्रिया की मूल अवस्था होती है। अभी कहा जाए तो कोई संयुक्त नहीं होगा कि धातु से ही क्रिया बनती है। जैसे पठ, अपठ पढ़ना, लिख लिखना या लिखता है। देखिए जैसे आपने लिखा ना, लिख, अब लिख मतलब धातु हो गया, अब इसमें क्या हो गया? ता, लिखता है। अब आपका क्या हो गया? वर्ब, क्रिया। ठीक है, तो धातु जो होती है क्रिया की मूल अवस्था होती है, धातु से ही क्रिया बनती है। ये अब इसमें जो है क्रिया जो है दो प्रकार की, यानी वर्ब जो है आपका दो प्रकार का होता है, एक फाइनाइट वर्ब है और एक नॉन फाइनाइट। पहला क्या है? फाइनाइट। दूसरा क्या है? नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब उसको कहते हैं जो नंबर, पर्सन और टेंस से इफेक्टेड हो, प्रभावित हो। नंबर, पर्सन और टेंस, जैसे देखिए थोड़ा सा, राम सिंह सर, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा राम सिंह सर, कोई दिक्कत? अच्छा लिखिए, दे सिंह भाई, यहाँ पर हमने लिखा राम सिंह और यहाँ पर लिखा दे सिंह। चलिए और आगे चलते हैं, दे सैंग, और मामला अलग हो गया। यहाँ पर तो सिंह था, सिंह था, यहाँ पर केवल सिंह है, यहाँ पर सैंग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल नंबर है, और यहाँ पर जो टेस्ट हमारा है वह पार्ट नंबर है। तो देखा जाए तो जो वर्ब हमारा है, यह जो वर्ब है सिंह का, सिंह हमारा किसके अनुसार चला है? सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे सब्जेक्ट चला है वैसे ही हमारा वर्ब चला है, तो सब्जेक्ट हमारा वर्ब को घुमाता है ना, या वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चलता है। वर्ब की अवस्था सब्जेक्ट पर, टेंस पर, नंबर पर निर्भर होती है। तो जैसा सब्जेक्ट या ऐसे का नंबर, पर्सन और टेंस जैसे रहेगा वैसे ही हमारा वर्ब क्या होता है? घूमता रहेगा। ठीक है, तो जब हमारा वर्ब नंबर, पर्सन और टेंस से क्या हो जाए? प्रभावित हो जाए। भाई प्रभावित होने में बदल जाए ना, वर्ब की कितनी अवस्थाएं होती है? कितनी अवस्थाएं होती है वर्ब की? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच अवस्था होती है। फिर देख लीजिए, अगर आपका वी वन है, यानी इसको बोलते हैं वी पर पावर वन, यानी एक्सपोनेंट है, और वी पर पावर टू, वी पर पावर थ्री, वी पर पावर फोर और वी पर पावर फाइव। एक्सपोनेंट मन होता है घात, पावर जिसको आप लोग बोलते हो, पावर ज्यादा बोलते हो मैं बोल रहे हैं आप लोग। अगर हम गो को लेते हैं, गो माने जान, यह आपकी गो क्या हो गई? पहली अवस्था हो गई,
वो क्या हो गई पहली अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था में आप क्या हो गए क्या आ जाएगा वेंट हो गई है? और तीसरी अवस्था में आपका हो गया गान। चौथी अवस्था में गोइंग और पांचवी अवस्था क्या आएगा गोड। तो पहली अवस्था और पांचवी अवस्था, पहली अवस्था यह क्या है प्लूरल फॉर्म है, क्या है सिंगुलर फॉर्म है प्लूरल फॉर्म, और पांचवी अवस्था क्या है सिंगुलर फॉर्म। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि नाउन को जब हम प्लूरल बनाते हैं, किसी नाउन को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस या एस का प्रयोग करते हैं ना, और जब किसी वर्ब को सिंगुलर नंबर बनाते हैं तो उसमें एस या एस जोड़ते हैं ना। तो दोनों उल्टा है, जब हम किसी वर्ब को हम क्या बनाएंगे सिंगुलर नंबर में बनाएंगे तो उसमें एस या एस का प्रयोग होगा। सिंगुलर यानी वर्ब को सिंगुलर नंबर बनाने, ध्यान से सुनिएगा, वर्ब को सिंगुलर नंबर में बनाने के लिए एस या एस का प्रयोग होता है, लेकिन अगर किसी नाउन को प्लूरल नंबर बनाना होता है, क्या बनाना होता है प्लूरल नंबर बनाना होता है तो वहां पर हमें एस या एस का प्रयोग करना होता है। जस्ट उल्टा है आर टॉपिक। तो वर्ब की पांचों अवस्थाएं हो गई, इसके बाद देखिए क्योंकि फिर आप अपने मेन पॉइंट पर आई, तो फाइनाइट वर्ब पर हम चर्चा कर रहे थे। फाइनाइट वर्ब नंबर पर्सन और टेंस से बदल जाता है, कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर हमने बताया कि ये बदला है, ठीक है, तो जो नंबर पर्सन और टेंस से प्रभावित हो जाए उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब में आपने देखा कौन अवस्था थी, कभी कभी आप लोग देखे होंगे, जैसे देखिए राम वांट्स टू सिंग, राम डब्ल्यू एन दो सेंटेंस यहां पर है, ठीक है, यहां पर हमने दो सेंटेंस लिया है और दोनों ही सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर वन और ये टू आपका हो गया। दोनों में सब्जेक्ट देखा जाए तो राम है, राम सिंगुलर नंबर, वर्ब देखिए वांट का यहां पर सिंगुलर फॉर्म है, यहां पर सेकंड फॉर्म हो गया है, और यहां पर टू सिंग आपका है यथावत है, यथावत है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जब परिवर्तन नहीं होगा भाई है तो सिंह, अभी आपने देखा सिंह का साइन हो गया था, सिंह हो गया था, वहां पर बदला था और यहां पर बदला ही नहीं। क्यों नहीं बदला? क्योंकि यह जो टू सिंह है इस पर नंबर पर्सन और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा हुआ है, नंबर पर्सन और टेंस का कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं है। तो जिस पर नंबर पर्सन और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिस वर्ब पर नंबर पर्सन और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ेगा वही क्या कहलाएगा नॉन फाइनाइट। किसी कोई दिक्कत? नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं? जिस पर नंबर पर्सन और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात ऐसा वर्ब जो नंबर पर्सन और टेंस से प्रभावित नहीं होता है उसी को हम क्या बोलते हैं नॉन फाइनाइट बोलते हैं। किसी को दिक्कत? नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं? जो वर्ब नंबर पर्सन और टेंस से प्रभावित नहीं होता है उसी को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए ठीक, तो नॉन फाइनाइट समझ में आ गया, बस नॉन फाइनाइट को इसे किसी को दबाओ, भगवान जैसे लोहे के भगवान है, पत्थर भगवान दबाओगे तो कितना मारो कोई फर्क नहीं, जितना मार कराओ सेम रहेंगे। इसीलिए जो है जो लोगों ने सोचा कहें भगवान पत्थर का ही रूप लो, पत्थर और लोहे
नहीं, जिसका काम बन जाएगा वो इतना खुश हो जाएगा लग जाएगा, जिसका काम गड़बड़ हो जाएगा उल्टा कोई मार दे, यथावत रहे। अनैरोबिक नंबर पर्सन और टेंस से जो वर्ब प्रभावित नहीं होता दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट। ठीक है, नॉन फाइनाइट हो गया। किसी को पूछना है बताओ। चलिए अब देखिए इसको हटा रहे हैं। अब नॉन फाइनाइट, फिर आप आ गए हैं नॉन फाइनाइट। एक बात ध्यान दीजिए, नॉन फाइनाइट को हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है जैसे विद्या किताब है उसमें जो हेडिंग है मेन टॉपिक जो दिया है डबल पार्ट ऑफ स्पीच, यानी एक पार्ट ऑफ स्पीच को करके दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का काम करे। तो डबल पार्ट ऑफ स्पीच चाहे बोलो चाहे नॉन फाइनाइट बोलो एक ही है। तो नॉन फाइनाइट या डबल पार्ट ऑफ स्पीच में आते कौन कौन है यह देखिएगा। पहला आपका क्या है, कोई बोलेगा? जीरट। जीरट पहले, चलो चलो ठीक है। जी ई आर यू एन डी पहला है जीरट। दूसरा क्या है? आई एन एफ आई एन आई टी आई वी। तीसरा क्या है? पी ए आर टी आई सी आई पी एस टी। तो नॉन फाइनाइट अर्थात डबल पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? तीन होते हैं। कई होते हैं? पहला क्या है? जीरण। पहला क्या है? जीरण। दूसरा क्या है? इन्फिनिटिव। दूसरा क्या है? इन्फिनिटिव। और तीसरा आपका है पार्टिसिपल। फिर देख लीजिए, नॉन फाइनाइट तीन प्रकार के होते हैं। पहला है जीरण, दूसरा है इन्फिनिटिव और तीसरा आपका क्या है? पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट किसको कहते हैं? ऐसा वर्ब जो नंबर पर्सन और टेंस से प्रभावित नहीं होता है, जो नंबर पर्सन और टेंस से प्रभावित नहीं होता है वही क्या कहलाता है? नॉन फाइनाइट कहलाता है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल हम दे देते हैं। सीइंग अ लायन, D-C-L-I-M be inclined on the tree। अब यहां पर सीइंग अ लायन, एक शेर को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया। दूसरा क्या है? He W-A-N-T-E-D wanted to see the ताज। अब यहां पर देखिए सीइंग अ लायन दूसरा वाक्य है, सेंटेंस ये रहा ही वांटेड टू सिंग अ सॉन्ग। ही वांटेड टू सी द ताज। और दूसरा पहला आपका ही क्लाइम्ड ऑन द ट्री। एक सेंटेंस में सीइंग अ लायन आपका है, सीइंग अ लायन ही क्लाइम्ड, यानी एक शेर को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया। दूसरा है ही वांटेड टू सी द ताज, ही वांटेड टू सी द। अब यहां पर देखिए दोनों ही सेंटेंस देखा जाए तो सिंपल सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। हट गया तुम लोग, भोगे बन रहते हो। कभी सेल्फ स्टडी द बेस्ट टीचर। स्वाध्याय सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है, कितना भी बड़ा टीचर हो पढ़ेगा नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जैसे पढ़ा करो, नहीं पढ़ पा रहे हो तो कहीं पर रिकॉर्ड करके कान के बगल रख लो, लेते हो वो सुनते हो। तीन बार चार बार पांच बार आप सुनोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। आप तो पढ़ भी नहीं करते हो। देखिए सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं? नहीं मालूम है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं? नहीं मालूम है। कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं? नहीं मालूम है। चलो आगे होगा। चले आप देखो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सीइंग भी आपका क्या है? वर्ड है। और सी आपका भी ये भी क्या वर्ड है। लेकिन सेंटेंस हमारा क्या है? सिंपल है। सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट रहता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ड, दो वर्ड हमें नहीं करेगा। सिंपल सेंटेंस में
एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, अर्थात एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, बगैर वर्ब के सेंटेंस ही नहीं बनेगा। यहाँ पर आपका सी और यहाँ पर सी, यह नॉन फाइनाइट है। यह क्या है? नॉन फाइनाइट है। अब क्योंकि यहाँ पर हम जीरण, जीरण तो जानते हो, जीरण जानते हो, नहीं जानते हो जीरण किसे कहते हैं? अरे वर्ब की पहली अवस्था से जीरण बनता है, वर्बल नाउन का काम करता है, वर्ब होकर के नाउन का काम करता है। भात, धन्ना, नेनी, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, हंसना, गाना, जैसे कहा जाए खेलना एक अच्छी आदत है, खेलना एक अच्छी आदत है, खेलना एक अच्छी आदत, खेल है ना, खेलना करेंगे क्या होगी, प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो आपका जीरण है या ये है, ये बनेंगे, सब्जेक्ट भी बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट भी बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अदर वर्ब में भी चला जाएगा, लेकिन वर्ब नहीं बनेगा। तो नॉन फाइनाइट तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका जीरण, जीरण का एग्जांपल देखिए, प्लेइंग इज गुड exercise, प्लेइंग इज गुड एक्सरसाइज। यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्लेइंग इज गुड एक्सरसाइज, खेलना। जीरण किसे कहते हैं? जीरण उसको कहते हैं जब वर्ब की पहली अवस्था में, वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी लगा हो और उसका हिंदी अर्थ, और उसका हिंदी अर्थ क्या रहा? भात, धन, ना, ने, नी। हिंदी अर्थ क्या रहा? भात, धन, ना, ने, नी। जैसे खेलना, यहाँ पर क्या प्लेइंग, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी खेलना, खेलना और खेलता है, एक नहीं है, एक है अलग अलग है, खेलना और खेलता एक है कि अलग अलग है? अरे भाई खेलना एक अवस्था है, और जो अवस्था होगी वह क्या होगी? नाउन होगी। जो अवस्था है वह क्या है? नाउन है। जहां पर एक्शन है वहां पर वर्ब है, तो खेलना आपका यह क्या हो गया है? नाउन है, जीरंड है, इसलिए इसको वर्बल नाउन बोलते हैं, वर्ब से बनता है, ठीक है, वर्ब से बनता है, वर्बल नाउन होता है, तो जीरंड था। इसका हिंदी भी अर्थ हमने बताया, धात, धन, ना, नेनी, जब धात, धन, ना, नेनी आए तो जान लीजिए वह जीरंड है। तो यहाँ पर आपका ये क्या है? प्लेइंग जीरंड है, और यह जीरंड किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट यही आएगा, जीरण आएगा, प्लेइंग आपका क्या है? सब्जेक्ट है तो जीरण। अगर इसको यहां लगा दो वर्ब के, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दोगे तो मेन वर्ब हो जाएगा भाई, और हेल्पिंग वर्ब के पहले लगा दो जीरण हो गया है। यदि अवस्था में कितना परिवर्तन होता है, स्थान ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में कहीं पर भी स्थान की बहुत वैल्यू है। यही कुर्सी जो है डीएम साहब के सामने लगा दोगे, इस पर डीएम बैठ जाएगा तो डीएम कुर्सी हो जाएगी, गेट पर लगा दोगे चपरासी कुर्सी हो जाएगी। स्थान का बहुत महत्व है। प्लेइंग आपका जो ध्यान दीजिएगा, इसी में देख लो, यह जो प्लेइंग आपका है इज के बाद लगाओगे तो वर्ब हो जाएगा, और इसके पहले लगा दिए हो क्या हो गया? जीरण हो गया। स्थान का ही वैल्यू है भाई। आज आप जो है यहाँ पर क्या है? छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, घर जाएंगे पुत्र बन जाएंगे, और बड़े होंगे पति बन जाएंगे, और बड़े होंगे पिता बन जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। जीरण मालूम हो गया? जीरण मालूम हो, नहीं मालूम हो? जीरण किसको कहते हैं? वर्ब की पहली अवस्था में आय जोड़ के जीरण बनाया जाता है, जिसका हिंदी अर्थ भात, धन, ना, नी होता है। हो गया? और यह जीरण आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा या सब्जेक्ट का काम करेगा? जीरण आपका हो गया नॉन फाइनाइट में। दूसरा है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जो है वर्ब की पहली अवस्था से पहले तू लगा करके बनाया जाता है, सामान्यतः, टोटली नहीं, वर्ब की पहली अवस्था के पहले
वर्ब की पहली अवस्था पहले ही, इसको मिटाते हैं हम, यही पर लिख देते हैं बताओ। यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट पार्ट, टू प्लस वर्ब की पहली अवस्था, ध्यान दीजिएगा आप लोग इंटर के छात्र हैं, टू प्लस वर्ब की पहली अवस्था अगर है तो आपका इन्फिनिटिव है। ये तो छोटे क्लास के लिए हो गया, अब बड़े क्लास जब जाओगे तो देखो भाई इन्फिनिटिव क्या है। इन्फिनिटिव मतलब नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट मतलब नंबर पर्सन और टेंस से प्रभावित न हो। अब देखिए जैसे He wanted to sing, na? He will sing. अब देखो यहाँ पर sing to sing है, यहाँ पर sing है। अच्छा देखो, He W O R D को ने sing. अब यहाँ पर भी देखिए सिंह है, विल था तो भी सिंह, पुट हो गया तो भी सिंह, वांटेड है तो भी सिंह, यहाँ पर टू सिंह हो गया, यहाँ पर इसके पहले टू लगे नहीं। एक होता है एयर इन्फिनिटिव, क्या होता है एयर मान के रखा होता है जो कपड़ा ना पहना हो, तो इसी को बोलते हैं। तो जितने भी मॉडल, ध्यान दीजिएगा जितने भी मॉडल एक्सरिया हैं, जितनी भी कुल एक्सिलरी कितनी होती है सहायक क्रियाएं इसको बोलते हो, टोटल सहायक क्रियाएं 24 कितनी होती हैं, 24 होती हैं। 24 में तो आप 11 जो है प्राइमरी हो जाएगी, 11 कितने होगी प्राइमरी होगी, और बचा 13 है आपकी मॉडल एक्सिलरी होती, और मॉडल एक्सिलरी के साथ जब वर्ब लगता है तो उसकी पहली अवस्था लगती है, ध्यान दीजिएगा मॉडल एक्सिलरी के साथ, मॉडल एक्सिलरी के साथ जब वर्ब लगता है तो सदैव उसकी पहली अवस्था रहती है। किसी को दिक्कत, आंख बंद करके चाहे आंख खोल करके चाहे दिमाग बंद करके चाहे दिमाग खोल करके, यह याद रखिएगा सदैव कि मॉडल एक्सिलरी के साथ वर्ब की पहली अवस्था लगती है। और एक बात ध्यान दो, जब मॉडल एक्सिलरी और प्राइमरी एक्सिलरी दोनों मिलेगी, जब मॉडल एक्सिलरी और प्राइमरी एक्सिलरी जब दोनों मिलेगी तो वहां पर वर्ब की तीसरी अवस्था इकट्ठे मार देगी, वहां पर वर्ब की कौन अवस्था रहेगी, तीसरी अवस्था हो जाएगी, सरी भी नहीं रहेगी, तीसरी डायरेक्ट मार देगी। जब प्राइमरी और मॉडल जैसे शुड हैड, शुड हैड यहां पर दोनों क्या है, सेल है, विल है, होता है ना, तो वहां पर वर्ग की डायरेक्ट सही अवस्था लग जाएगी, ठीक है। ऑन टॉपिक, तो यहां पर जो है ये सिंह आपका और ये सिंह और यहां पर ये सिंह, ये क्या है इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव वर्ग होता है जिस पर नंबर पर्सन और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस पर नंबर टेंस पर्सन और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जिस पर नंबर और पर्सन टेंस का प्रभाव नहीं पड़ेगा फिर वो नॉन फाइनाइट भाग जाएगा, तो ये तो है नॉन फाइनाइट के ही पार्ट ना, ये नॉन फाइनाइट के ही हिस्से हैं, हो गया। तो ये आपका टू सिंग क्या हुआ, इन्फिनिटिव हुआ, सिंग क्या हुआ, वेर इन्फिनिटिव हुआ, ये क्या हुआ भाई, तो फुल इन्फिनिटिव कह दो, दिखा रहा है हम टू लगे हुए हैं, इसके पहले टू लग जाएगा उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। अब इन्फिनिटिव कहते किसको है, वर्ब की पहली अवस्था से पहले टू लगा दो और इसका हिंदी अर्थ क्या जाएगा, धातु ना ना नहीं नहीं, जैसे जीरण वाला था ना वैसे ये भी है, धातु ना 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 नहीं, अर्थात पार्टी को इन्फिनिटिव क्या जाएगा, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसी को दिक्कत,
अब तीसरा आपका था क्या? पार्टिसिपल। इसको हटा दिया जाए। पार्टिसिपल। अब भाई पार्टिसिपल क्या होता है? कि क्यों का काम करेगा बस हो करके, काम का काम कर देगा, ठीक है। पार्टिसिपल एक का वर्ब, ये भी वर्ब होता है लेकिन वर्ब का काम नहीं करता, इसीलिए इसको डबल पार्ट ऑफ स्पीच में रखा गया है। इसीलिए इसको डबल पार्ट ऑफ स्पीच में रखा गया है। आप देखिए, जैसे यहाँ पर पहले सही लिखा, चलो काम हो गया। सी क्लाइम ही क्लाइम ऑन द ट्री। सी पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा क्या है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल। पहला क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कौन होता रहेगी? पहली क्यों भाई? पहली अवस्था कि चौथी अवस्था? अरे भाई यहाँ पर है ना, यहाँ पे लिखा है और इसमें आपकी तीसरी अवस्था है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की कौन अवस्था रहेगी? तीसरी अवस्था। कौन अवस्था? तीसरी। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की तीसरी अवस्था। परफेक्ट वाले में हैविंग के साथ वर्ब की तीसरी अवस्था, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर सी प्लान यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इसमें भी दो सेंटेंस रहते हैं, दो सेंटेंस रहते हैं, दोनों सेंटेंस को जब मिलाएंगे तो क्लाज बनेगा, क्लाज जानते हो, क्लाज बनेगा होगा, यानी सेंटेंस तभी शुरू होगा जब तक निचोड़ निकालोगे तब। प्रेजेंट वाला हो गया, वर्ब की पहली अवस्था आयत जोड़ करके बनाया जाता है, और जो काम पहले रहता है, जो जो सेंटेंस जिस सेंटेंस का कार्य पहले होगा उसी में हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, आई सा अ रिटायर्ड टीचर, आई सी अ सा टीचर, रिटायर्ड दिया गया, आई सा अ रिटायर्ड, रिटायर्ड सही अवस्था। तो पटेस्ट चल रहा है यहाँ पर आपका क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल। जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस हम लिखते हैं, सब हटा देते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। आप देखिए, मैंने जलता हुआ मकान देखा और मैंने जला हुआ मकान देखा, ध्यान दीजिएगा। दो सेंटेंस हैं, मैंने जलता हुआ मकान देखा, जब हमने देखा तो मकान क्या हो रहा था?
जो हमने देखा मकान क्या हुआ, दो सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस में अगर थोड़ा सा भी सेंस का प्रयोग करोगे तो बता दोगे कि सेंटेंस में पार्टिसिपल है, एक पार्टिसिपल और दूसरे पार्ट है। हो जाएगा ना भाई। इसमें देखिए कार्य है, जारी है, जल रहा है, कोई पानी डालने वाला नहीं है। इसमें क्या हुआ, पानी डालने की जरूरत ही नहीं है, है? ये आपका प्रोजेक्ट पार्टिसिपल हुआ, क्या हुआ ये ठीक। अब जैसे आप कोई कार्य पूरी तरह से कर, जैसे आप लोग घर से आए होंगे, खाना वाना बना वाना करके आए होंगे, खाओ करके आए होंगे, झाड़ू वूड मार करके आए होंगे, गाँव जहाँ से सभी लोग हैं, तो आप लोग ये कहेंगे हैविंग कंप्लीटेड, खाना बनाने के बाद या खाना बनाने के बाद जो भी कहो उसके उपरांत वो स्कूल गए, यानी घर का कार्य कंप्लीट करने के बाद हैविंग वहाँ पर लगा दोगे, यानी पार्ट, हम पार्ट पार्ट परफेक्ट पार्टिसिपल चर्चा कर रहे हैं, प्रोजेक्ट आपका क्लियर हो गया, पार्ट आपका क्लियर होगा। इसी तरीके के सेंटेंस हैं, जब आप उसका हिंदी निकालोगे ना इसी तरीके से सेंटेंस बनेंगे। अब इसका बर्निंग हो जाएगा, इसका बर्थ हो जाएगा, है? भाई मैंने मरता हुआ सर्प देखा, मैंने मरा हुआ सर्प देखा, तो जब तूने देखा तो सर्प मर रहा था, और एक कंडीशन वह है जब तुमने देखे तो सर्प क्या हो गया, हाँ? मैंने मरी हुई चिड़िया देखा, मैंने मरती हुई चिड़िया देखा, तो मरती हुई मतलब मर रही थी ना, तो प्रोजेक्ट आपका हो गया, मर रही मर गई थी मतलब पार्ट हो गया। अच्छा जैसे एक हो जाता है, जैसे आपने एक लेटर लिखा ना, लेटर लिखने के बाद खाना ना खाए होंगे, तब आप उसको ले जा करके फोटोग्राफिक में जो पत्र पेटी का उसमें डालेंगे, तो वहाँ पर क्या हुआ, कार्य पूरी तरह से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, कार्य पूरी तरह से क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। जब एक कार्य पूरी तरह से खत्म हो जाए तब दूसरा कार्य शुरू होगा, वहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, किसका, हैविंग कंप्लीटेड हिज होम वर्क, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस, वन है हैविंग कम, वहाँ पर हैविंग लगा दो भाई, पैसे वाले बिल लग जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रोजेक्ट पार्टिसिपल में वर्क की पहली अवस्था, पार्ट पार्टिसिपल में वर्क की तीसरी अवस्था, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हायरिंग के साथ वर्क की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। किसी को सुनना डिस्कस करना प्रेजेंट में आईएनजी फॉर्म, पार्ट में तीसरी अवस्था, और परफेक्ट में हायरिंग के साथ वर्क की तीसरी अवस्था लगाई जाती है।